सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण विषय बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है, जो एक टॉपिक है, हिमालय पर्वत पर चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत जैसे कि हमको पता, पूरे भारत में सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत पर चर्चा करने से पहले मैं आपको हिमालय पर्वत की जो पूर्व की धारणाएं हैं, जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत के अनुसार कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है, नवीन पर्वत है, इसकी उत्पत्ति से पहले यहाँ पर तेजस सागर हुआ करता था। ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है, सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने आकलन किया है भूगोल में, क्योंकि भूगोल की हम बात करें तो भूगोल को आप सब कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना के आधार पर वैज्ञानिकों ने माना है कि जहाँ पर वर्तमान में भारत में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीन निर्माण हुआ है पर्वतों में, तो श्रृंखला से पहले, वर्तमान में जो श्रृंखला है उससे पहले यहाँ पर तेथिस सागर हुआ करता था। कोवर का भूसन्नति सिद्धांत थे, वैज्ञानिक थे कोवर, उन्होंने भूसन्नति सिद्धांत दिया था। भूसन्नति भूमि में जो हलचल होती है उसके अनुसार उन्होंने यहाँ पर सिद्धांत दिया, तो बताया था कि जिस जगह पर वर्तमान में हिमालय पर्वत स्थित है वहां पर तेथिस सागर हुआ करता था। तो तेथिस सागर जो था, तो तेथिस सागर के दोनों ओर अलग अलग स्थल थे, ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसा कि ये जो स्थान है, जिस पर्वत श्रृंखला बनी हुई है हिमालय की, यहाँ पर तेथिस सागर हुआ करता था। तो इस ओर यहाँ पे स्थल भाग था, इसके नीचे ओर जैसे कि आप वर्तमान में देख रहे हैं भारत का स्वरूप, वैसे ही था ये जो स्थान था। ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है आपको, इसके स्थान पर जो पानी है ये तेथिस सागर का है। तेथिस सागर नाम था सागर का। तो तेथिस सागर के इस ओर, मतलब तेथिस सागर यहाँ पर, इस स्थान का नाम अंगारा लैंड था। वो नीचे जो स्थान है, जैसे कि आप जानते हो भारत का जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भाग वाला, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड जो है, ये भारत का जो टुकड़ा है वो अफ्रीका से टूटकर अलग होकर यहाँ पर आया था। तो ये गोंडवाना लैंड, पहले इसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, तो गोंडवाना लैंड का ही प्रायद्वीपीय भाग हिस्सा है। तो ये दोनों के जो हिस्से स्थल भाग, इन दोनों के बीच में तेथिस सागर पाया जाता था। ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम कोवर के भूसंधि सिद्धांत के अनुसार। तो ये तेथिस सागर में जैसे कि जो स्थल जो भाग है, और किसी भी स्थल भाग में जैसे कि पृथ्वी का स्वरूप वर्षों लाखों वर्षों बाद धीरे धीरे परिवर्तित हुआ होता आया है। और जैसा कि आप जानते हैं बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार सभी ग्रह जो टूटे हैं तो गर्भगृह थे, और धीरे धीरे लाखों वर्षों के अंतराल के बाद ग्रहों में मतलब धीरे धीरे परिवर्तन आए हैं, जिसमें पृथ्वी में इस प्रकार से परिवर्तन आए कि वो जीवन जीने लायक बना है। तो उसी के अनुसार लाखों वर्षों पूर्व इन स्थानों से नदियां बहती थी, दोनों स्थलों से पहले बहुत नदियां बहती थी। तो ये नदियां अपना जल कहाँ पे गिराती थी, तेथिस सागर में गिराती थी। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी, वो सभी नदियां अपना जो जल स्तर है, वो जल के साथ जो अवसाद लेके आती थी, कंकड़ पत्थर जो बालू है, पूरी तरह से यहाँ पर तेथिस सागर में गिराती थी। तो लाखों वर्षों के अंतराल के बाद जब नदियां, बहुत सारी नदियों ने यहाँ पर अवसाद इकट्ठे किए धीरे धीरे, जब किसी भी स्थान पर धीरे धीरे जब ये स्थान के जो अवसाद है नदियों के, वो जमाव होते होते धीरे धीरे वलन के कारण ऊपर उठने लगे, सागर ढक गया था धीरे धीरे। लाखों वर्षों के अंतराल की बात है, कुछ समय की बात नहीं है। तो इन लाखों वर्षों के अंतराल के बाद ही, तो प्रकृति में परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्षों के अंतराल में ही आते हैं। जहाँ हम देख सकते हैं वर्तमान में, जहाँ पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक गर्म गोला थी, और आज वर्तमान स्वरूप देखें तो आप 70% जल स्तर है, तो पूरा ठंडा जल ग्रह, नीला ग्रह जिसे बोलते हैं पृथ्वी को, तो किस प्रकार से परिवर्तन हुआ होगा लाखों वर्षों के अंतराल में, इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं पृथ्वी पर। तो यही लाखों परिवर्तन के बाद जहाँ जल स्तर था, तो आज देखो वहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इस प्रकार से नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद कंकड़ पत्थर जो है, वो धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और इस जगह पर बलन उठता गया। मतलब कि जब अवसादों का धीरे धीरे इकट्ठा हो जाना और धीरे धीरे उठ जाता है, तो उस कारण से जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उठ गई हैं, ठीक है। जैसा कि ठीक है,
जैसे कि यहाँ गोंडवाना लैंड हो गया है नीचे का हिस्सा ये वाला, और ये अंगारा लैंड ऊपर का हिस्सा जो 33 सागर। तो इस प्रकार से 33 सागर धीरे धीरे जो मलबे से जमाव से इकट्ठा होता गया, बलन पड़ता गया, इकट्ठे होते होते जब ये स्थान ऊपर उठ गया नदियों के लाखों वर्षों के अंतराल के बाद, तो इस प्रकार से इसमें बलन पाएगा और ये इस प्रकार से जो जल के स्थान पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को नवीन या बलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। नवीन पर्वत श्रृंखला यानी जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, वर्तमान सभी श्रृंखलाओं के आधार पर हम देखें तो हिमालय की नवीन उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से सिद्धांत के अनुसार, कोबर्क सिद्धांत के अनुसार, और अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कोबर्क सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है, तो उसके अनुसार ये पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय की उनका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसे कि ये जाना हमने थोड़ा सा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहले यहाँ पे 33 सागर, उस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब जैसा कि मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कौन कौन सा देश कहाँ पर है, मैं आपको वीडियो के अनुसार बताता रहा हूँ कि भारत के जो मानचित्र है वो किस किस देशों से स्पर्श होता है। तो आज हम उसी के आधार पर देखेंगे हिमालय पर्वत का सबसे पहला भाग, इसके दो या तीन वीडियो बनेंगे क्योंकि पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत की 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उसके अनुसार हम जानकारी लेंगे। तो जैसे कि मानचित्र में आप देख पा रहे हो जो लाइनें हैं तो उनको आप समझ लीजिए पहले। तो हिमालय के ऊपरी भाग में मतलब जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय जो पर्वत है वो पूरे विश्व की अगर तुलना करें पर्वत श्रेणियों में, हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी मतलब कि अलग अलग पर्वत चोटियों से मिलकर जो बनी है उसको पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे कि ये जो है पर्वत है, एक पर्वत शिखर होता है, चोटी होती है, पर्वत की ऊंची चोटी होती है, तो सभी अलग अलग पर्वतों से मिलकर जो पूरी श्रेणी होती है उसे क्या कहा जाता है, पर्वत श्रेणी कहा जाता है, पर्वत श्रेणी। इसलिए हिमालय पर्वत श्रेणी बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। इस चारों भाग मिलकर उसकी पर्वत श्रेणी से मिला निर्माण हुआ है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, तो विश्व की अगर हम तुलना करें विश्व की पर्वत श्रेणियों में हिमालय पर्वत जो श्रेणी है वो 3rd नंबर पर आती है। विश्व की पर्वत श्रेणियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो फैली हुई है ऊंची, वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, इंडीज पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है 7 महाद्वीप, उन 7 महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उस महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, उसी के ऊपर वाले महाद्वीप जो है उत्तर अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रेणी है। उत्तर अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रेणी विश्व की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रेणी का नाम आता है। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पर्वत श्रेणियों के आधार पर हम देखें तो सबसे पहले है अपना एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी जो दक्षिण अमेरिका का जो भाग है, दक्षिण अमेरिका का जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है आप मानचित्र में देखेंगे, तो दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो भाग है पश्चिम वाला भाग, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी जो क्षेत्र है पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है लंबी, तो उसे बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका की जो पश्चिमी भाग में फैली हुई है वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है इसी प्रकार एंडीज नाम है उसका, एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये विश्व की सबसे लंबी फैली हुई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसी प्रकार रॉकी पर्वत श्रेणी भी पश्चिमी क्षेत्र में है उत्तर अमेरिका में, पर्वत श्रेणी भी लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की दूसरी पर्वत श्रेणी ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, और तीसरी पर्वत श्रेणी जैसे कि आप देख पा रहे हैं भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी। अब जैसा कि पर्वत श्रेणियों के आधार पर हमने देखा कि 3 पर्वत श्रेणी सबसे विश्व की जो ऊंची है उस प्रकार से है, लेकिन अगर मान लो दिशा के आधार पर आकलन करें, दिशा के आधार पर जैसे कि मैंने बताया कि रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणी है इस प्रकार से फैली हुई है पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण, सीधी लंबी पर्वत श्रेणी फैली हुई है। लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो ये इस प्रकार से नहीं है, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो इस प्रकार से फैली हुई है भारत में, मतलब दिशा के आधार पर देखें तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर उसके अलग अलग श्रेणी हिमालय की फैली हुई है। तो दिशा के आधार पर हमने देखा
विश्व की दो नंबर की जो पर्वत श्रेणियां हैं एंडीज और रोकी, वो उत्तर और दक्षिण दिशा के आधार पर है। अधिकतर और विश्व की और पर्वत श्रेणियां हैं वो भी उत्तर से दक्षिण है, लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। तो इस आकलन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर फैलने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर फैलने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो 2500 किलोमीटर के आसपास है, पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई पर्वत श्रेणी हिमालय, वो पूर्ण विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एक बार फिर सुन लीजिए कि पूर्व से पश्चिम दिशा के आधार पर हम आकलन करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर फैलने वाली पर्वत श्रेणियों में विश्व की पर्वत श्रेणी कौन सी लंबी? हिमालय पर्वत श्रेणी, क्योंकि एंडीज और रॉकी तो उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर तो ये है, लेकिन पूर्व से पश्चिम दिशा के आधार पर हम आकलन करेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी है जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब जैसा कि पर्वत श्रेणी जो हिमालय पर्वत श्रेणी का चर्चा कर लेंगे, देखते हैं हम किस प्रकार से जो बना हुआ मानचित्र। हिमालय पर्वत जो श्रेणी है वो चार समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है। हिमालय पर्वत श्रेणी चार समानांतर पर्वत श्रेणियों से, जिससे कि ये तीनों लाइनें हैं उसका एक हिमालय है। चार पर्वत समानांतर पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय भी कहा जाता है, दूसरी बृहद या सर्वोच्च हिमालय, तीसरी लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो चार पर्वत श्रेणी समानांतर एक समान के अंतर के आधार पर हिमालय की चार पर्वत श्रेणियों से मिलकर हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय को माना जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की जो श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर राज्य में, जिसे आप देख पा रहे हैं लाल कलर की तीन जो लाइन है, जिसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी, तो तीनों पर्वत श्रेणी जो है समानांतर, इन तीनों पर्वत श्रेणियों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है या पार हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है तीनों वो ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरी लाइन जो आप देख पा रहे हैं नीले कलर में, जिसके दो भाग इधर भी फैले हुए हैं, ये सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? सर्वोच्च हिमालय, दूसरे नंबर की बृहद या सर्वोच्च हिमालय। देख पा रहे हैं आप बिल्कुल लंबी फैली हुई है पूर्व से पश्चिम तक यहाँ तक, तो ये दूसरा भाग क्या होगा हिमालय का? बृहद या सर्वोच्च हिमालय। तीसरे भाग की बात करें लाल कलर में, फिर से अलग अलग जगह पर जो लाइन खींची गई यहाँ पे बीच से होती हुई, ये है लघु या मध्य हिमालय, जैसे बीच में आप देख पा रहे हैं लघु या मध्य हिमालय। आखिर ये शिवालिक हिमालय सबसे नीचे की जो लाइन है पर्वत श्रेणी जो है ये है, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है भी पूर्व से पश्चिम, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इस प्रकार चार समानांतर श्रेणियों में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है, हिमालय का पूरा भाग है, इन चारों को मिलाकर कहा जाता है। अब दूसरी बात ये है कि इनमें चारों भागों में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाल कलर से तीनों भागों में किया है, जैसे कि हिमालय को नवीन या बलित पर्वत कहा जाता है, इस पूरे हिमालय को नवीन बलित पर्वत नहीं कहा जाता। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि 33 सागर में जो बलंग हुए थे अब साधों के इकट्ठे होने से, जमाव से, उससे नवीन हिमालय का निर्माण हुआ था, तो वो नवीन हिमालय ये तीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था ना कि यहाँ पर, तो यहाँ पर 33 सागर में जो नवीन बलंग के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई उसमें तीन पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। कौन कौन सी? सर्वोच्च बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तीन पर्वत श्रेणियां हिमालय की नवीन बलित पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय की नवीन बलित, बलित मतलब होता है मोड़दार, मतलब कोई भी तार होता है उस तार को आप उसमें मोड़ा जाए ऐसे तो वो क्या बन जाता है? बलित हो जाता है, मोड़दार हो जाता है। तो जैसे कि हिमालय पर्वत हमको पता सीधा तो है नहीं, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत श्रेणी का मतलब क्या है? कोई ऊंची कोई नीची पर्वत जो चोटी होगी, इस प्रकार से वो बलन प्रकार से, ये बलन ये उसकी बहुत चोटी फिर नीचे गए फिर चोटी कम ज्यादा, इसलिए उसको बलित बोलते हैं, उसका वलन आकार है हिमालय की जो है वो वलन आकार है इसकी पर्वत श्रेणियां। तो तीनों पर्वत श्रेणियां जो है बलन आकार की है, नवीन बलित पर्वत बोलते हैं इसको, तीनों का वर्तमान में ही इसका उत्पन्न हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये जो है तीन पर्वत श्रेणियां नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, और ट्रांस हिमालय जो है वो नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। ट्रांस जो हिमालय है वो 33 सागर हुआ करता था, उससे पहले का हिमालय है। ट्रांस हिमालय का जो भाग है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है, महाद्वीपों में सात ही महाद्वीपों में जो स्थित है स्थल भाग, उन सभी जो स्थल भाग है वो पृथ्वी की सातों प्लेटों पर स्थित है, पृथ्वी का जो भार जो सहन करते हैं वो प्लेटों के आधार पर है,
भारत जो स्थित है वो भारतीय प्लेट है, उसकी धरती पर जो है उनको पता है कि पूरी पृथ्वी जो है उसके अंदर प्लेटें पाई जाती हैं। प्लेट जो होती हैं जैसे भूकंप आते हैं ज्वालामुखी होते हैं वो प्लेटों के ही आकार से घूमती रहती है, तो उनमें जो भी परिवर्तन होता है उसके आधार पर ये सब कंपन होते हैं प्लेटों के आधार पर। तो पृथ्वी के अंदर भी प्लेटें हैं, उसमें सात प्रमुख प्लेट सात महाद्वीप उन्हीं की प्लेटों पर पाए जाते हैं। भारत जो है भारतीय प्लेट पर पाया जाता है। इसके ऊपर हमको पता है यूरोप है, तो यूरोप महाद्वीप जो है वो यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। इस प्रकार से अलग अलग स्थित। तो ये जो है ट्रांस हिमालय की तीन पर्वत श्रेणियां है वो यूरेशियन प्लेट से बनी हुई है। यूरेशियन प्लेट मतलब नवीन हिमालय से पहले की बनी हुई है, तो तीनों पर्वत श्रेणियां यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय ये हो गया हमारे चारों भाग। तो देखा हमने कि नवीन पर्वत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां है हिमालय की। अब हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, नवीन हिमालय की दूसरे नंबर की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी आप देख पा रहे हैं, इसमें लाल कलर के जो चोटी बनी है पर्वत की, ये कुल 10 पर्वत चोटियां हैं। लाल कलर की सर्वोच्च हिमालय पर जो चोटियां बनी है वो 10 पर्वत चोटियां हैं, और ये विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। हिमालय सर्वोच्च हिमालय पर जो बनी हुई है लाल कलर की चोटियां, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, वो विश्व की 10 ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पर्वत श्रेणियों में पर्वत विश्व की पर्वत श्रेणियों में हिमालय को मिलाकर हिमालय पर्वत श्रेणी हिमालय जो पर्वतों से मिलकर बनती है तीसरे नंबर पे है। लेकिन पर्वत चोटियों की अगर मैं बात करूं, एक एक पर्वत की ऊंची जो ऊंचा शिखर होता है उस पर्वत चोटियों में 10 ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो हिमालय पर ही स्थित है। हिमालय पर कौन से भाग में, सर्वोच्च हिमालय पर्वत श्रेणी पर विश्व की 10 ऊंची चोटी, मतलब कहने का यह है कि विश्व की ऊंची जो पर्वत श्रेणी है, हमको पता पर्वत श्रेणी मतलब पर्वतों से मिलकर जो श्रेणी है वो कौन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी। तो एंडीज पर्वत श्रेणी और दूसरे रॉकी पर्वत श्रेणी, तो ये भी पर्वतों से मिलकर बनी हुई है। तो दोनों की एंडीज पर्वत श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी, तो ये एंडीज और ये रॉकी, तो एंडीज और रॉकी जो उत्तर से दक्षिण फैली हुई है दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में, तो एंडीज की जो भी पर्वत होंगी जिस प्रकार जैसी चोटी बनी हुई है, तो ऐसी कौन कौन जितनी भी चोटी होंगी उसमें जैसे रॉकी की पर्वत श्रेणी होंगी ऊंची, तो सबसे ऊंची सभी पर्वत श्रेणी में जो ऊंची है जैसे कि एंडीज पर्वत श्रेणी की अगर मैं बात करूं, तो एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी की हमको पता है माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार हर एक पर्वत श्रेणी की अपनी एक ऊंची चोटी होती है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी की जो ऊंची चोटी है वो एकांगुआ है, वो भी 6,000-6,500 के लगभग मीटर के आसपास है। और हमको पता है हिमालय की पर्वत श्रेणियां सभी पर्वत श्रेणियां 7,000-8,000 के ही लगभग है, इसलिए 10 जो ऊंची चोटियां, इसलिए मैंने बोला विश्व की 10 ऊंची चोटियां जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च हिमालय वाले भाग में पाई जाती है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी में जो भी सबसे ऊंची होगी वो 6,000-6,500 के आसपास है, एकांगुआ जो नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी। रॉकी पर्वत श्रेणी की माउंट मैकिनले है वो भी 6,000 के ही आसपास है, तो इसलिए देख पा रहे हैं हम कि पर्वत श्रेणियों में जरूर दोनों पहले दूसरे नंबर पर है लेकिन पर्वत चोटियों में स्थित इनका नंबर नहीं आता, इसलिए तीसरे पर्वत श्रेणी जो हिमालय की उसके अंदर जो पर्वत चोटियां हैं पूरे विश्व की 10 ऊंची चोटियां हैं, इसके बराबर विश्व में कहीं भी ऊंची चोटियां नहीं है, इसलिए हिमालय में सर्वोच्च हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उस पर लाल कलर जो बताया मैंने 10 ऊंची चोटियां स्थित है। तो हिमालय पे हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हिमालय के चार भाग समानांतर हैं। नवीन हिमालय में तीन श्रेणियां हैं लेकिन हिमालय का देखा जाए तो हिमालय चार भागों से मिलकर बना हुआ है। ट्रांस हिमालय जिसको पार हिमालय बोलते हैं, तो ट्रांस पार का मतलब तीन पर्वत श्रेणी नवीन पर्वत श्रेणियों के पार मतलब कि उस पार तरफ है, इसलिए ट्रांस पार हिमालय बोलते हैं। इस देख पा रहे हैं आपकी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, कुछ तिब्बत में भी इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो ट्रांस हिमालय जो है जैसे कि मैंने बताया था ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है, पहला पॉइंट ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है और यह एक नवीन बलित पर्वत नहीं है। हिमालय का नवीन बलित पर्वत श्रेणियों में तीन पर्वत श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय इसका भाग नहीं है। तीसरी बात, ट्रांस हिमालय जो है वो तीन पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। ट्रांस हिमालय तीन पर्वत श्रेणी जो लाल कलर में आप देख पा रहे हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, तो तीनों पर्वत श्रेणियों मिलाकर ट्रांस हिमालय बनता है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में फैली हुई है। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है
वो जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा तिब्बत में फैली हुई, उन्होंने बताया था चीन का जो पूरा क्षेत्र है, चीन देश उसका तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ पे। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में, वो है केटू गोल्डविन ओस्टविन, 8611 मीटर। गोल्डविन ओस्टविन कहाँ पर पाई जाती है? ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में कहाँ पर? ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, ऊपर वाले काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में। लेकिन वर्तमान में ये क्षेत्र है वो पीओ के क्षेत्र में शामिल है, ये जो है पीओ के मतलब पाक अधिकृत क्षेत्र जम्मू कश्मीर, जिसे पता है कि मुद्दा है ये कश्मीर जो है भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के पीओ के क्षेत्र जो है जिन्होंने अधिकृत किया उस क्षेत्र में ये ऊंची चोटी आती है। ठीक है, फिलहाल तो हम मान सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ग्लेशियर स्थित है, ग्लेशियर या हिमाद्री, ग्लेशियर हिमाद्री किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जो हमको पता है कि पूरा जो भूभाग है ये सब ऊंचे स्थानों पर है, और जैसे कि मैंने बताया ऊंचे स्थान मतलब कि जिस प्रकार पृथ्वी के मुख से जाता है तापमान निम्न होता जाता है, तापमान निम्न होने के कारण क्या होता है कि जो ऊपरी वाला जो स्थान है वो बर्फ बन जाता है। पानी जब निम्न, जैसे कि टेम्परेचर होता है जीरो से नीचे जाता है माइनस में, निम्न तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है। तो ये स्थान है यहाँ पे सब बर्फ के क्षेत्र हैं, इसलिए काराकोरम पर्वत श्रेणी पर चार ग्लेशियर पाए जाते हैं। चार ग्लेशियर मतलब हिमालय जो बर्फ से ढके स्थान होते हैं उनको ग्लेशियर कहा जाता है, ऐसे स्थान जो बर्फ से क्या हो ढके हुए हों, फैले हुए हों। ठीक है, तो ऐसे जो उठे हुए हैं जो बर्फ से ढक गए हैं, तो ऐसे लंबा फैला हुआ है जिसमें चार ग्लेशियर पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख ग्लेशियर की चर्चा की मैंने, यहाँ पे जो काले कलर में दिख रहा है इसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जैसे कि आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पाया जाता है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण चीजें काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची चोटी और सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, और बर्फ की से ढका जो भाग होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊपर उत्तर दिशा में स्थित है, सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। तो आप बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय की उत्तरी जो चोटी, उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके अलावा पूरे भारत की सबसे उत्तरी दिशा की पर्वत श्रेणी भी कौन सी होगी? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी जैसे जम्मू कश्मीर राज्य में ये दो चीजें मेन है, उसी प्रकार तिब्बत में जो फैली है तो तिब्बत में इसी का भाग जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में इसी का जो भाग है, कौन सा भाग? पूर्वी भाग, वो कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैलाश यहाँ पे यात्रा भी होती है, वो यही पर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। ट्रांस हिमालय की चर्चा कर रहे हैं हम, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी सब इसमें देखकर आप बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह कर सकते हैं कि लद्दाख पर्वत श्रेणी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के बाद जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी भी नीचे है यहाँ पर, तीनों पर्वत श्रेणियां इसके आधार पर कोई सारे प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है उसके दक्षिण में ही नवीन बरेली पर्वत फैला हुआ है। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के भाग के दक्षिण में कौन सा है? नवीन बरेली पर्वत में सर्वोच्च या ट्रांस हिमालय, सॉरी सर्वोच्च या बृहद हिमालय, जब जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में सर्वोच्च हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात है, दोनों पर्वत श्रेणियां जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां, इनके बीचों बीच भारत की नदी सिंधु नदी जो है, दूसरी बड़ी नदी सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत क्षेत्र से, यहाँ से तो ये नदी जो है इन दोनों पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। इसमें प्रश्न बनता है जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है, और यही पर जम्मू कश्मीर का शहर है लेह, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लेह शहर जम्मू कश्मीर का सिंधु नदी किनारे बसा हुआ, सिंधु नदी जहाँ लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बीच होकर गुजरती है, पाकिस्तान में मिल जाती है आगे जाकर। ठीक है, तो इस प्रकार जब हो गया, अब ट्रांस हिमालय की चर्चा के बाद दूसरा भाग आता है नवीन बरेली पर्वत का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी सर्वोच्च या बृहद हिमालय। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है पूर्व से
पश्चिम की ओर फैली हुई है और ये पश्चिम में जाती हुई नवीन मलित पर्वत की हम बात करें जो इसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, नवीन मलित पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर फैला तो है लेकिन अपना जो भाग जैसे पश्चिम में इसने अपना जो पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण की ओर मुड़ ली है। तो दक्षिण की ओर दो जो पर्वत श्रेणियां हैं वो मुड़ी हुई है जिसका नाम अलग अलग है, हिमालय पर्वत से जम्मू कश्मीर राज्य से। नीचे की ओर भी हमको पता है यहाँ पे कौन सा देश स्पर्श करता है, भारत से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में यही पर्वत श्रेणी जो है वो सुलेमान पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में सर्वोच्च हिमालय का जो भाग है वो दक्षिण की ओर मुड़ा है, दक्षिण की ओर मुड़ते हुए इसी को क्या बोलते हैं सुलेमान पहाड़ी पाकिस्तान में स्थित है। उसी के ऊपर एक और पहाड़ी भी है पर्वत, वो है हिंदू कश पर्वत, ये अफगानिस्तान देश में है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान जो बहुत कम स्पर्श करता है जम्मू कश्मीर राज्य को। तो ये जो है श्रेणी अफगानिस्तान में हिंदू कश पर्वत, हिंदू कश नाम सुना होगा आपने इतिहास में, जब विदेशी आक्रमण होते थे तो वो यहीं से प्रवेश करते थे हिंदू कश पर्वत से। तो ये अफगानिस्तान से अधिकतर जो अरबी आक्रमण ईरानी यूनानी जो आक्रमण हुए हैं वो सभी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से इसी पर्वत से इंटर करते थे, प्रवेश करते थे। तो हिंदू कश पर्वत अफगानिस्तान में, सुलेमान पहाड़ी हिमालय का ही भाग पाकिस्तान में। ठीक है, इसी प्रकार पूर्व में आप देख पा रहे हैं पूर्व में भी हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ गया है, पूर्व में भी हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ गया है। तो दक्षिण की ओर ये म्यांमार देश से होता हुआ गया है, जैसे कि मैंने द्वीपों में बताया था भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सबसे बड़ा जो द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश, वो भारत के हिमालय पर्वत श्रेणी जो म्यांमार से होता हुआ गया है। म्यांमार में इसे क्या बोलते हैं हिमालय को अराकान पर्वत, अराकान पर्वत श्रेणी हिमालय का ही भाग है, म्यांमार में इसको अराकान बोलते हैं। और ये ही यहाँ पर होते हुए नीचे बंगाली खाड़ी में डूबते हुए जो शिखर इसके उठे हुए हैं उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी पर स्थित है, इसी का भाग है जो शिखर यहाँ पर बंगाली खाड़ी में डूबते हुए फिर जो शिखर उठे हुए हैं उसी पर जो द्वीप स्थित है। ठीक है, तो म्यांमार में इसको अराकान बोलते हैं, दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसी के भाग में पूर्वोत्तर राज्यों में भी इनके अलग अलग नाम है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में इसको अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य मानचित्र में आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो इसमें जो पहाड़ी फैली है वो पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, हिमालय का ही भाग दक्षिण की ओर मुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड में इसको नागा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, लाल कलर से देख रहे हैं आपको नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां और मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियां। तो ये सभी अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम है, ये हिमालय का ही भाग है जो परिवर्तित होकर दक्षिण की ओर मुड़ गया है। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हैं हिमालय पर्वत जो है वो पश्चिम की ओर अधिक चौड़ा है, पूरी लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों की जो चौड़ाई है तीन पर्वत श्रेणियों की वो चौड़ा है पश्चिम दिशा की ओर और यहाँ से पूर्व की ओर आते आते बिल्कुल सकरा होता गया है। ठीक है, तो सब पूर्व में प्रश्न बन सकता है हिमालय जो है वो सकरा है और पश्चिम में चौड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बताया था मैंने जैसे कि सर्वोच्च हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो सर्वोच्च हिमालय पर हम चर्चा करेंगे। विश्व की 10 ऊंची चोटियां सर्वोच्च हिमालय पर स्थित है, देख पा रहे हैं आप लाल कलर में 10 ऊंची चोटियां है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी पर सबसे पूर्वी दिशा में हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी सर्वोच्च हिमालय जो है उस पर सबसे पूर्वी दिशा में कौन सा पर्वत है, पर्वत श्रेणी जिसे बोलते हैं चोटी जो है वो है नामचा बरवा। पूर्व दिशा में नामचा बरवा जो है पर्वत वो सबसे पूर्व दिशा में स्थित है और ये कहाँ स्थित है, भारत में नहीं है, ये चीन के ही जो क्षेत्र है तिब्बत, वो तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पे लिखा हुआ तिब्बत चीन का क्षेत्र है। तो तिब्बत में पूर्वी दिशा में 10 ऊंची श्रेणियों में सबसे पूर्वी श्रेणी में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है। सबसे पश्चिमी दिशा में जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी है, नंगा पर्वत या नागा पर्वत, नंदा देवी अलग है, नंगा पर्वत या नागा पर्वत जो है पर्वत चोटी जो है वो सबसे पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में। तो पूर्व से पश्चिम में एक एक श्रेणी हुई और 8 जो बची है शेष वो सब इसके मध्य में पाई जाती है। तो सर्वोच्च हिमालय में देखेंगे इसमें कौन कौन सी रहेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानचित्र के आधार पर, जैसे मैंने प्रारंभ बताया था कि आप जिले वाइज कौन कौन से राज्य जो है भारत के वो कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सा देश है, उसके आधार पर आपको बिल्कुल सरल पड़ेगा इन चीज़ों को समझना, हिमालय पर्वत श्रेणी को समझना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रारंभ वीडियो में इसलिए बताया मैंने कि राज्य कौन कौन से कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, तो उससे हम आकलन कर सकते हैं देखकर कि हाँ ये स्थान यहाँ पर स्थित होगा। तो 8 पर्वत श्रेणियों में देखा जाए तो जैसे कि प्रारंभ से हम देखें यहाँ पे पूर्व दिशा से देख नामचा बरवा हो गया,
इसके बाद देखेंगे आप, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है भारत का, ये एक राज्य है सिक्किम। तो ये जो राज्य है सिक्किम, वो मैंने पहले बता चुका हूँ, भारत का सिक्किम राज्य तीन देशों से घिरा हुआ, तीन ओर से। इसके यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ भूटान देश का है, ये जो पूरी लाइन भरी हुई है नेपाल देश की है, और हमको पता है ये पूरा एरिया चीन के अंतर्गत आता है। तो चीन भूटान नेपाल के से तीन ओर से घिरा हुआ भूटान जो है वो राज्य भारत का। तो उसी भूटान सॉरी सिक्किम, भूटान देश सिक्किम जो राज्य है, इसी सिक्किम राज्य पर भारत के जो ऊंची चोटी है कौन सी पाई जाती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा, ठीक है, जो कितनी ऊंची है 5,898 मीटर, ठीक है। उसी के जस्ट बाद देखेंगे कंचनजंगा के बाद जो है वो कौन सी है, आप देखो यहाँ पर मानचित्र आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा एरिया वो नेपाल का एरिया है, यहाँ तक सिक्किम में कंचनजंगा थी। अब जो भी पर्वत श्रेणी होंगी तो हमको कहाँ पर मिलेंगी, नेपाल में। तो नेपाल में दूसरे नंबर पे मकालू स्थित है, तीसरे नंबर पे माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट ये भी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो क्या है, पूरे हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी, ये बोल सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वैसे बताया था विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियों में सबसे पहले एवरेस्ट का नाम आता है। तो एवरेस्ट कहाँ है, मकालू के बाद, कहाँ पे है, नेपाल में स्थित। एवरेस्ट के बाद कौन सी, मनसालू है, ये भी कहाँ पे है, नेपाल में। मनसालू के बाद आगे जाएंगे हम तो ये दोनों पर्वत श्रेणियां जो हैं, तो इसका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, और ये है अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, ये भी क्या है, 10 ऊंची चोटियों में से 2 चोटियां हैं, ये भी कहाँ पाई जाती है, नेपाल में, सभी नेपाल में, बस यहाँ पे कंचनजंगा का चोटी है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा दो भी यहाँ पर नेपाल में स्थित हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसी पर्वत श्रेणी पर, अब जैसे कि नेपाल का जो सीमा है ये खत्म हो गया, तो ये जो राज्य है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से, और इस राज्य की हम बात करें तो आप मान जी तुम देखो ये राज्य कौन सा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य पर ये दो ऊंची चोटियां बनी है, वो कहाँ, नेपाल में नहीं है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नंदा देवी और बंदरपूच, नंदा देवी और बंदरपूच, और सारी और ग्लेशियर स्थित है, लेकिन यहाँ पे हमने 10 ऊंची चोटियों की बात की है, तो इसलिए यहाँ पे नंदा देवी लिए मैंने और बंदरपूच, पहले नंदा देवी सिक्किम से फिर बंदरपूच, कहाँ पर है, उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद मैंने बताया दिया था यहाँ पर नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इस प्रकार से क्रम के आधार पर हम देखें तो ये पाए जाते हैं नामचा बरवा पर्वत, ये कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बंदरपूच, और ये जो है वो नागा पर्वत या नंगा पर्वत, कहाँ पे स्थित है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं 10 ऊंची चोटियां सर्वोच्च हिमालय पर स्थित है। तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसमें अलग प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्नों को संग्रह आप कर सकते हो मानचित्र के आधार पर। प्रश्न बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तुमको पता है माउंट एवरेस्ट हिमालय पर तो स्थित है, नवीन बलित पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की ऊंची चोटी, उसके पूर्व और पश्चिम की ओर कौन सी पर्वत चोटी स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट के पूर्व की ओर मकालू पर्वत श्रेणी, पश्चिम की ओर मनसालू पर्वत श्रेणी, तो मकालू और मनसालू के मध्य में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है, और कंचनजंगा सबसे पूर्व सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य भारत के राज्य में। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं आप देखा जाए तो मानचित्र के आधार पर। तो हम इसके आकलन के आधार पर हम देखें तो विश्व की 10 ऊंची चोटियों में अब इसमें अलग प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व की तीन ऊंची चोटियां, विश्व की या दुनिया की तीन ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो विश्व की तीन ऊंची चोटी अगर बात करें हम, तो विश्व की तीन ऊंची चोटियों में अगर हम देखा जाए तो हमको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कितनी, 8,848 मीटर, जो कहाँ है, नेपाल देश में, भारत में नहीं है, नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की तीन ऊंची चोटियों में, 8,848 मीटर, इससे ऊंची नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरी ऊंची चोटी अगर हम बात करें
विश्व की ऊंची चोटियों में, विश्व की ऊंची चोटियों में दूसरी ऊंची चोटी क्या है, भारत की जो ऊंची चोटी है गोल्डविन ऑस्टविन K2 जो कहां स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर, वो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 गोल्डविन ऑस्टविन, कितनी है 8611 मीटर, 8611 मीटर विश्व की दूसरी ऊंची चोटी। और तीसरी ऊंची चोटी विश्व की कंचनजंगा 8598 मीटर, कंचनजंगा कहां पे स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आप निकाल सकते हो विश्व की तीन ऊंची चोटियों में एवरेस्ट गोल्डविन ऑस्टविन कंचनजंगा। ठीक है, वो निकाल सकते हो चौथी में मकालू आती है, चौथी में मकालू जो है कंचनजंगा के बाद 8450 मीटर मकालू है। इसके बाद पांचवे नंबर पे आता है धौलागिरी, पांचवे पे ये जो चोटी है वो धौलागिरी है। तो पांच ऊंची चोटियों में जिसे तीन मैंने लिखवाई है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, दूसरी गोल्डविन ऑस्टविन भारत की ऊंची चोटी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है 8611 मीटर, तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है 8598 मीटर, चौथी में मकालू जो कहाँ है नेपाल में स्थित है, पांचवी में धौलागिरी वो भी कहाँ है नेपाल में स्थित है। तो इस प्रकार से ये पूरी ऊंची चोटियां बनी हुई है सिक्किम से क्रम के आधार पर। तो विश्व की तीन ऊंची चोटियों में आप देख सकते हैं ये चोटियां स्थित है। तो विश्व की तीन ऊंची चोटियां हो गई। अब इसी प्रकार इन्हीं में ही प्रश्नों का अलग अलग संग्रह बन सकता है उस नाम से, विश्व की तीन ऊंची चोटियों में ही हो गई। अगर मान लो विश्व की तीन ऊंची चोटी के अलावा हम बोले भारत की तीन ऊंची चोटियां, भारत की तीन ऊंची चोटी तो भारत की तीन ऊंची चोटी हम बात करते हुए बोला भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोल्डविन ऑस्टविन जम्मू कश्मीर राज्य में, गोल्डविन ऑस्टविन जम्मू कश्मीर राज्य में 8611 मीटर, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी भारत की तीनों चोटी, दूसरी क्या कंचनजंगा, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में उनको पता कंचनजंगा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो क्या है, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा 8598 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा उनको पता सभी चोटी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। और तीसरी अगर बात करें तो नंगा पर्वत नागा पर्वत जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी 7500 के आसपास कुछ है मीटर में। तो ये तीन ऊंची चोटियों में गोल्डविन ऑस्टविन भारत की 8611 कंचनजंगा 8598 सभी हमको पता है, ये पूरी नेपाल में ऊंची चोटी है। पांच ऊंची चोटी की बात की विश्व की वो सब नेपाल में है, ये भी तिब्बत में है। तो भारत में नंदा देवी बंदरपूछ, ठीक है, त्रिशूल और बहुत सारे उत्तराखंड में है। इसके बाद नामचा पर्वत, क्या है नामचा पर्वत या सॉरी नंगा पर्वत या नागा पर्वत, तो तीसरा भारत का नंगा या नागा पर्वत हो जाएगा। तो तीन ऊंची चोटियों में ये हो गया। ठीक है, तो परिवर्तक हो गया, भारत की ऊंची चोटियों में अलग हो गया, विश्व की तीन ऊंची चोटियों में अलग हो गया। अब इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि हिमालय पर स्थित तीन ऊंची चोटियां, हिमालय पर स्थित तीन ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, पहली बात माउंट एवरेस्ट,
दूसरी सी पर्वत श्रेणी पे दूसरी कौन सी होगी? कंचनजंगा। कंचनजंगा ठीक है। इसके अलावा तीसरी हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय पर कंचनजंगा दूसरी हो गई, और तीसरी क्यों होगी बता था मकालू। पांच पर्वत श्रेणियों में हिमालय की, सॉरी विश्व की जो पांच ऊंच पर्वत श्रेणी थी उसमें हम देखा जाए तो हमने देखा था माउंट एवरेस्ट, गोडविन ओस्टविन, विश्व की बात की थी पे, लेकिन इसलिए गोडविन ओस्टविन शामिल था, लेकिन यहाँ पे हिमालय की बात कर रहा हूँ। और हिमालय हमको पता नवीन हिमालय में कांस्य हिमालय भाग शामिल नहीं है, सिर्फ इसमें जोड़ा गया है चार पर्वत श्रेणियों में, लेकिन नवीन बड़े पर्वत में तीन पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इस पर गोडविन ओस्टविन कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पर है, तो इसलिए हिमालय पर स्थित तीन ऊंची चोटियों में एवरेस्ट पहले। इसके अलावा हमको पता कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी ऊंची चोटी थी वो हिमालय पर स्थित दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी, वही भारत की भी दूसरी ऊंची चोटी होगी। तो कंचनजंगा दूसरी हो गई, और तीसरे को बताया मकालू, 8,548, 8,598, 8,450 मीटर ऊंची, जो मीटर की ऊंचाई है। तो हिमालय पर स्थित तीन ऊंची चोटियों में परिवर्तन हो गया, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, उसके बाद धौलागिरी है ठीक है। तो ये इस प्रश्न के आधार पर आप इस मानचित्र के आधार पर देख सकते हैं कौन कौन सी ऊंची चोटियां किस प्रकार से हो सकती है। तो हिमालय पर स्थित में सर्वोच्च हिमालय पर तीन ऊंची चोटियों में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। इसके अलावा हिमालय पर स्थित भारत की ऊंची चोटी, अगर प्रश्न बन जाए हिमालय पर स्थित भारत की ऊंची चोटी, मतलब हिमालय पर तो स्थित है, हमको पता हिमालय पर 10 ऊंची चोटियां स्थित है, और 10 अलग अलग स्थानों पर है, भारत में भी है, नेपाल में भी है ठीक है, चीन के तिब्बत में भी है। तो भारत में स्थित ऊंची चोटी, हिमालय पर स्थित भारत में स्थित ऊंची चोटी, तो हमको पता है हिमालय में सर्वोच्च हिमालय पर भारत में ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में कंचनजंगा की होगी भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, तो कंचनजंगा की होगी हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर स्थित। इसके अलावा हो सकता है चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, तो जैसे मैंने बताया था तिब्बत में कौन सी होगी? नामचा पर्वत। तिब्बत, चीन के तिब्बत क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी को होगी नामचा पर्वत ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में, तो जम्मू कश्मीर राज्य में बताया था कांस्य हिमालय में जो अपने पास सबसे ऊंची चोटी है गोडविन ओस्टविन भारत की, कहाँ कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है कांस्य हिमालय ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप बना सकते हो कि कौन कौन से, बस ध्यान देना है कि पर्वत श्रेणी के आधार पर किस पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है ठीक है। तो इसलिए मानचित्र के आधार पर आप आकलन कर सकते हो कि पर्वत श्रेणी यहाँ तो फैली हुई है, इस प्रकार से ये इस देश में इस स्थान पर होगी ठीक है। तो हिमालय पर भारत की चोटी में कंचनजंगा चोटी शामिल हो जाएगी। अगर हम देश की और बात करें, अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो किन किन देशों में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो नवीन पर्वत श्रेणी है, तो और देखा जाए तो देशों में किन किन देशों में फैली हुई है, तो हम यहीं से गणना कर सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है हिंदू कश पर्वत उसका कहाँ फैला हुआ है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, सुलेमान पहाड़ी इसी का भाग पाकिस्तान में हो गया, भारत रही पूरे भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई है 2500 किलोमीटर ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भारत के अलावा नेपाल, भारत के अलावा नेपाल, भूटान, और यहाँ पे पता है हमको चीन के तिब्बत, और यहाँ से होते हुए म्यांमार ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत को स्पर्श करने वाले सभी देशों में फैली हुई है, सिर्फ बांग्लादेश को छोड़कर जो स्थल भाग से भारत को स्पर्श करते हैं देशों में वो कितने हैं? 7। जैसे मैंने बताया था प्रारंभ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को छोड़कर जो 6 हैं अपने पास, 1, 2 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो 6 देशों में पर्वत श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी वो पूरी तरह से फैली हुई है बांग्लादेश को छोड़कर ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है, तो बांग्लादेश को छोड़कर 6 सभी देशों में पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत श्रेणी है, और पूर्व से पश्चिम में फैली विश्व की पहली ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी 6 देशों में फैली हुई है ठीक है। तो इस प्रकार से 6 देश उसकी पर्वत श्रेणी में फैले हुए हैं। इसके अलावा 10 ऊंची चोटियों में जो माउंट एवरेस्ट है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को जैसे भारत में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन जो नेपाल और तिब्बत में इनको अलग अलग भाषा में बोला जाता है। अगर तिब्बत की बात करें
चीन के तिब्बत में हमको बताइए जो एरिया है यहाँ पे चीन के तिब्बत क्षेत्र है तो वहां पर भी पर्वत श्रेणी है नेपाल में स्थित कुछ भाषा तिब्बत में तो तिब्बत में इसको अलग नाम से जाना जाता है ठीक है चीन के तिब्बत में तिब्बती भाषा के नाम से जाता है चोमोलुंगमा चोमोलुंगमा ये तिब्बती भाषा का शब्द है चोमोलुंगमा कहां चीन के तिब्बत क्षेत्र में इसको माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं चोमोलुंगमा इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी पर्वतों की रानी ये नेपाल में सॉरी चीन के तिब्बत क्षेत्र में से बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा पर्वतों की रानी। इसके अलावा जैसे बताया तुमको कि एवरेस्ट पर नेपाल में स्थित तो नेपाल में इसको अलग नाम से जानते हैं सागर माता नाम से जाना जाता है नेपाल में भारत में इसको माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं ठीक इस प्रकार से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा हिमालय की चार समांतर पर्वत श्रेणियों में तीन बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं उसमें ट्रांस हिमालय के बारे में देखा सर्वोच्च हिमालय के बारे में देखा। इसके अलावा हम अगले वीडियो में ये भाग उसका एक भाग था हिमालय पर्वत का पहला जिसमें एक वीडियो में हमने दोनों भाग देखे और हम देखेंगे इसमें मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणी ठीक है। बने रहिए धन्यवाद।